देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड में चीन की सीमा से लगा एक बड़ा हिस्सा देश की अधिकतर सुख सुविधाओं से अभी तक वंचित है। इसके कारण यहां से लोग पलायन को मजबूर हैं। परिणामवश देश की सीमा कमजोर होती जा रही है। इस क्षेत्र में न बिजली है, न पानी, न अस्पताल और न ही स्कूल। इतना ही नहीं, यहां तो टेलीफोन और मोबाइल के साथ पक्की सड़क भी नहीं है। यहां के लोग दीन दुनिया से कई दिनों तक वंचित रहते हैं। ये लोग राजधानी दिल्ली के बजाय चीन पहुंचना ज्यादा सरल समझते हैं। दुक्तू गांव के रहने वाले गणेश दुक्ताल बताते हैं कि पिथौरागढ़ जिले में धारचूला से हिमालय की तरफ दारमा वैली में 14 गांव हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। चीन से लगे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र से लोग लगातार पलायन करने को मजबूर हैं। यहाँ टूटी फूटी पतली पथरीली सड़क से होकर जैसे तैसे पहुंचा जा सकता है। वर्ष 2017 में बनी इन सड़कों में आए दिन भूस्खलन होता रहता है। इस सड़क में एक तरफ खड़ा पहाड़ तो दूसरी तरफ खाई और उसमें बहती काली और धौली गंगा नदियां हैं। दारमा वैली में लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसे दुक्तू और दातू गाँव उन गाँवों में शामिल है जिन्होंने आजादी के बाद से अभी तक विकास का चेहरा नहीं देखा है। यहाँ इक्का दुक्का मकानों में ही सोलर लाइटें हैं, जबकि बाकी मकान अभी भी लालटेन से काम चलाते हैं। ग्रामीणों ने पेयजल सप्लाई की अनुपस्थिति में प्राकृतिक जल स्रोतों से अपने घर तक पानी खींचा है। स्कूल नहीं होने पर पढ़ाई के लिए यहाँ बच्चे पलायन को मजबूर हैं। छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए भी मजबूर ग्रामीणों को शहर का रुख करना पड़ता है। यहाँ के लोग बेहद ही सरल, खुश दिल, मददगार, मेहनती, होशियार और सच्चे देशभक्त होते हैं। हिमालय के पंचाचूली पर्वत तक पहुंचने का यह सबसे सरल रास्ता माना जाता है। दारमा के अलावा व्यास वैली और मुनस्यारी वैली भी इसी तरह विकास से कोसों दूर है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से धारचूला केवल 100 किलोमीटर और दारमा वैली केवल 54 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रामीणों का कहना है कि छोटी मोटी खेती होती भी है तो उसे भालू खराब कर जाते हैं। वैली में कई गाँव बसे हैं जहाँ से अधिकतर लोग पलायन को मजबूर हैं।